अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी देते हैं बाबा। वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं है, तो कब खाएगा? बुढ़ापा में, पूरा 150 साल। यहाँ तो बचपन में ही मर जाते, जवानी में ही मर जाते, वहाँ अमर हो जाएंगे। अमर बोलने इसी को कहा जाता है अमर। लोग कहते हैं अमर हो गया लोग, तो अमर होना का मतलब क्या? जन्म मरण से खत्म हो गया, ना जन्म लेगा ना मरेगा, या जन्म लिया है तो कभी मरेगा ही नहीं, क्या कहते हैं? अमर होना मतलब क्या कहा जाता है? तो बाबा कहते हैं बच्चे कि तुम मरण से मुक्त हो जाना है। नहीं, जीवन मरण से मुक्त हो गया तो अमर कैसे कहा? मरना, मर वर्ड आ रहा है। हाँ। तो जन्म जो लिया ही नहीं मरेगा कैसे? तो जीवन जब साल है तो मर भी ना करेगा। तो जन्म जब लिया ही नहीं तो अमर क्यों बोल रहे हैं? तो अमर मतलब होता क्या है? भगवान कहते हैं बच्चे कि तुम अगर बाप का मददगार बनते हो, अभी जब बाप आता है इस नरक को स्वर्ग बनाने, पवित्र बनते हो और पवित्र दुनिया की स्थापना में भगवान का मददगार बनते हो, तो तुम्हारी आयु एकदम 150 साल कर देते हैं बाबा। अभी कम है एवरेज, उस समय आयु 150 साल पूरा मैक्सिमम कर देते हैं, और 150 साल से पहले शरीर छूटेगा नहीं, अकाले मृत्यु। अभी तो अकाले मृत्यु हो जाता है, आयु इतना कम हो गया है, उस समय अकाले मृत्यु नहीं होगा, पूरा जिएंगे तबे खत्म होगा। इसको कहते हैं अमर बनना। तो बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी तक यही चलेगा, अमर ही रहेंगे, कोई अकाले मृत्यु नहीं, काल नहीं खाएगा, ना भी जान